कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का और अवलोकनार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, आज मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर है, इसको मनाया जाता है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हमारे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी और मिर्ज़ापुर ज़िले की जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी ला के विद्यार्थियों के बीच में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो आइए आज हम कॉम्पटेरिया पे भी एक अनुभव साझा करते हैं। देखिए, मानवाधिकार के मामलों में जन जागरूकता बहुत ही पहले से चली आ रही है, लेकिन इस पर कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं डाली किसी ने। लेकिन आने वाले दिनों में और जो अब दिन आए हैं, इसमें मानवाधिकार पर काफ़ी चर्चा एवं परिचर्चाओं का दौर चला है। और हमारे शहर के कई अधिवक्ता और समाजसेवी संस्थाओं ने अपनी आवाज़ें बुलंद की और कई लोगों को न्याय दिलवाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कि पीड़ित जो है पुलिसिया उत्पीड़न मामले में तुरंत मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकता है और खटखटा रहे भी हैं। और क्या होता है, किसी भी प्रकार के फर्जी इनकाउंटर मामले में भी आप मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। किसी प्रकार का आपके ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा हो या कोई सरकारी तंत्र आपको परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए भी आप केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और चर्चा करते हैं हम शैक्षिक गतिविधियों में कि और मानवाधिकार के क्या क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखिए, मानव का एक अधिकार है। अब जैसे कि लॉकडाउन में कि युवकों पर और आम नागरिकों पर जिस प्रकार के पुलिस की पिटाई कर देते थे पुलिस वाले या उत्पीड़न करते थे, तो उसके लिए भी आप मानवाधिकार में जा सकते हैं। और मानवाधिकार आयोग ने इन सारे मामलों को संज्ञान में लिया भी है। कहते हैं कि मानवाधिकार मामलों में पीड़ितों को न्याय जरूर मिलता है। देखिए, मानवाधिकार के मामले में पीड़ितों को न्याय जरूर मिलता है, भले ही देरी हो जाती है। कई केसेस में देखिए न्याय मिला है और कई कांड में देखिए जब संज्ञान में लिया गया और हमारे कई जो ईमानदार अधिवक्ता हैं वो भी केस के लड़ते हैं मानवाधिकार के और ले जाते हैं, न्याय दिलवाते हैं। जैसे कि मनमानी गिरफ्तारी, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़, नज़रबंदी का मुद्दा होता है, हिरासत में लेकर यातना देते हैं इसका मुद्दा होता है, यौन हिंसा होती है, दुर्व्यवहार का मुद्दा होता है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव का मुद्दा होता है। और ये सारे मुद्दों को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उठाता है और इसका निस्तारण भी करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को जारी किया था। और अब हम मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्या क्या काम काज होता है मानवाधिकार आयोग का? मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में याचिकाओं को प्राप्त करना, उसके उपरांत स्वतः संज्ञान के आधार पर अन्वेषण करती है और मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधित किसी भी आरोप की न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए कानून और संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं और यह अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है। देखिए, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा का अधिकार, ये सब मानवाधिकार में शामिल हैं। समानता और निष्पक्षता से संबंधित सिद्धांतों का मानवाधिकार एक समूह है और इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है अंतर्निहित रहता है। आप सभी मित्रों को मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अधिकारों को जानें
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। और जब आपका केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है उसको दीवानी न्यायालय की सख्तियाँ प्राप्त हैं तो ये कई मामलों में आपको अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। इसलिए अपने अधिकारों को समझें और आपको स्पष्ट न्याय न मिले तो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में आप अपने मानवाधिकारों के लिए आवेदन कर सकते हैं और संपन्न सुखी स्वस्थ खुशहाल रह सकते हैं। यह मानवाधिकार ब्लॉग आपको कैसा लगा उसको लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेयर करिएगा और कॉम्पटेरिया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और सभी जागरूक हों, यह उद्देश्य रहा। चलिए किसी अन्य रोमांचक ब्लॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। हर हर महादेव।